महावीर कॉलोनी के खेड़ा मंदिर से यह खबर। आज रोटरी रोटेक्ट व महावीर सेवा समिति के सहयोग से एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसका अभी कुछ देर में प्रोजेक्ट चेयरमैन राकेश खुराना जी द्वारा शुभारंभ किया जाएगा। आज की एक बड़ी खबर और, कल रात ही हमारे फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े महानायक अमिताभ बच्चन व उनके पुत्र अभिषेक बच्चन की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, जिन दोनों को हॉस्पिटल के अंदर भर्ती कराया गया है। हम आपसे अनुरोध पिछले लगभग 4 महीने से कर रहे हैं कि कोरोना वायरस को लेकर गंभीर रहें और ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। जब इतने बड़े लोग भी इस बीमारी की चपेट में आ सकते हैं तो आम जन की तो बात क्या। खैर, हम उनकी लंबी उम्र की दुआ करते हैं कि वह जल्दी स्वस्थ होकर अपने घर पर पहुंचे। उसी बीच आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। आज रोटरी क्लब द्वारा जो यह रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है, बरसात कल रात से हो रही है, उसके बाद भी युवाओं के अंदर बहुत जोश बना हुआ है इस रक्तदान शिविर के अंदर रक्त देने के लिए। डेराबसी से ब्लड लेने के लिए टीम आई हुई है। अब आपको दिखाते हैं अंदर का हाल कि किस प्रकार लोग रक्तदान कर रहे हैं। इस समय लाड़वा की खेड़ा मंदिर महावीर कॉलोनी के अंदर एक रोटरी रोटेक्ट व खेड़ा मंदिर सेवा समिति द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं लाड़वा ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से यह खबर। रोटरी रोटेक्ट व महावीर सेवा समिति की ओर से यह रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है शहर की महावीर कॉलोनी के अंदर। अब बात करेंगे प्रोजेक्ट चेयरमैन राकेश खुराना जी से। हाँ सर, किस उपलक्ष्य में यह रक्तदान शिविर लगाया गया? अभी हमारा 1 जुलाई से रोटरी का नया सेक्शन शुरू हुआ है, तो हमने इनिशियली स्टेज पे पहले अन्नपूर्णा सप्ताह मनाया। उस दौरान हमने वृद्धाश्रम में जाके, अनाथ आश्रम में जाके और भिन्न भिन्न स्थानों पे जाके गरीबों को खाना दिया और उस सप्ताह को बड़े अच्छे दिए। और उसी कड़ी में, क्योंकि एक टाइम ऐसा चल रहा है कोरोना का, आजकल ब्लड बैंक के अंदर, क्योंकि ब्लड डोनेशन कैंप्स बहुत कम लग रहे हैं और ब्लड बैंक के अंदर ब्लड की हमेशा जरूरत रहती है, और उसी कड़ी में हमने इस ब्लड डोनेशन कैंप को ऑर्गेनाइज किया है। और ये डेराबसी इंडस हॉस्पिटल की टीम यहाँ पे ब्लड लेने के लिए आई हुई है। और क्योंकि हमारे नवनियुक्त प्रधान अश्विनी जैन जी का यह नया सेशन शुरू हो रहा है, उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। और हमारी तरफ से एक प्रयास रहता है रोटरी की तरफ से कि समाज के लिए जितना बेटर कर सकें वो करें। अब बात करेंगे रोटरी क्लब के पूर्व प्रधान अमित सिंगल जी से, कि पूछते हैं उनसे कि उनका कार्यकाल अब समाप्त हो गया 30 जून को, उसके बाद अब जो 1 जुलाई से नया सत्र शुरू हुआ है रोटरी क्लब का, उसके अंदर रोटरी क्लब क्या नए प्रोजेक्ट करेगी, क्योंकि इस समय कोरोना काल चला हुआ है, लगभग पिछले भी 3-4 महीने खराब हो गए हैं। और उसी बीच एक बड़ी खबर भी आ रही है कि हमारे महानायक अमिताभ बच्चन व अभिषेक बच्चन की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। क्या कहेंगे सर अमित जी? सबसे पहले तो लाड़वा ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि 30 जून तक रोटरी सत्र 2019-20 ख़त्म हो गया, जिसमें मैं प्रधान के रूप में कार्यरत था। अभी 1 जुलाई से रोटरी के प्रधान अश्विनी जैन जी और रोटरैक्ट के प्रधान सुमित गोयल जी, इन्होंने अपना कार्यकाल शुरू किया। पिछला सप्ताह अन्नपूर्णा सप्ताह के रूप में मनाया गया, विभिन्न विभिन्न स्थानों पर वृद्धाश्रम से शुरू करके लोगों को खाना खिलाया गया, लोगों की कुछ जरूरतें पूरी की गई, और आज ये ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ महावीर सेवा समिति के साथ मिलकर लगाया जा रहा है। जैसा कि आपने पूछा, इस साल के प्रोजेक्ट्स
कोरोना बढ़ता जा रहा है, इस साल का जो रोटरी का इंटरनेशनल थीम है वो है रोटरी ओपन्स अपॉर्चुनिटी, रोटरी अवसर प्रदान करता है। बिल्कुल, क्योंकि जब से ये कोरोना काल चला है लग रहा था कि अब कुछ भी काम नहीं हो पाएगा शायद, लेकिन रोटरी ने अवसर खोजा और कोरोना काल में भी बहुत सारे लोगों को राशन पहुंचाया, जो मूवमेंट लेबर थी उनको भोजन पहुंचाया, शेल्टर होम की व्यवस्था की प्रशासन के साथ मिलकर। तो इसी तरह से वो जब तक ये कोरोना चलेगा इस तरह की लोगों की ज़रूरतमंद जो लोग हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करना रोटरी का मुख्य उद्देश्य रहेगा। ये तो रही कोरोना की बात, और साथ साथ जो रोटरी के अन्य मुख्य प्रोजेक्ट्स हैं, आज ब्लड डोनेशन, ट्री प्लांटेशन, इस तरह के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सतत लगातार यूँ ही चलते रहेंगे। महानायक जी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आ गई है, अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन की, इसके बारे में रोटरी क्या कहेगी? रोटरी का यही कहना है कि जैसा सभी आज तक कहते आए हैं कि कोरोना की हम सबको आदत डालनी पड़ेगी, हो सकता है कोरोना यहाँ हम लोगों में से भी एक बार होकर वापस चला गया हो, हम सबको सेफ रहना पड़ेगा, अपनी सावधानियाँ खुद बरतनी पड़ेंगी, मास्क लगाना पड़ेगा, सैनिटाइजर यूज़ करना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी पड़ेगी। उसके लिए चाहे आप मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक शुरू कीजिए, थोड़ा योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, इस तरह की चीज़ें अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए आपका खान पान जो है वो बेहतर हो आपको करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें इस कोरोना काल के दौरान आपको अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए करनी पड़ेंगी, तभी आप इससे बच सकते हैं, अदरवाइज इससे बचने का कोई साधन नहीं है। हाँ मैम, क्या कहेंगे रक्तदान शिविर के बारे में आप? हाय, गुड मॉर्निंग ऑल, आई एम डॉक्टर डिम्पी, रिलेशनशिप मैनेजर इंडस हॉस्पिटल से। सबसे पहले इंडस हॉस्पिटल के बारे में बताना चाहूँगी। इंडस हॉस्पिटल हमारा मोहाली में है, डेराबसी में है, फतेहगढ़ साहिब में है, एंड आज हम यहाँ पे लाडवा में कैंप लगाने आए हैं। ब्लड डोनेशन कैंप है, मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप है, तो इसमें अभी मतलब कि बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं कि डोनर्स काफ़ी आ चुके हैं, काफ़ी ब्लड डोनेट हो चुका है। वी आर एक्सपेक्टिंग कि 70-80 यूनिट्स ऑफ ब्लड हम कलेक्ट कर लेंगे। और जो हमारा कैंप है मल्टी स्पेशलिटी कैंप है, इसमें लोग बीपी, शुगर वगैरह चेक करवा सकते हैं, साथ में मतलब किसी को मेडिसिन मतलब कुछ खांसी जुकाम बुखार की कोई प्रॉब्लम है उसको आके वो लोग चेक करवा सकते हैं, एंड देन कोई औरतों की प्रॉब्लम, घुटनों की प्रॉब्लम है, दिल की प्रॉब्लम है, कार्डिक प्रॉब्लम है, मल्टीपल प्रॉब्लम्स का आके इलाज करवा सकते हैं यहाँ पे। एंड देन सबसे पहले अगर हम बोलें कि कोरोना, आजकल कोरोना पेंडेमिक की बात करें, हमें पता कि 800,000 तक हमारा आंकड़ा चला गया इंडिया में, एंड इट हैज़ स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो इसके लिए भी हम लोग जैसे इंडस हॉस्पिटल बहुत योगदान कर रहा है। जब अब जैसे आज हम यहाँ पे आए हैं लाडवा में, तो हमारी टीम हर एरिया में जाके, पंजाब के हर एरिया में जाके, पंजाब से बाहर जाके, मतलब कि अपनी टीम, डॉक्टर्स की टीम जो है वो सब जगह पे हेल्प कर रही है लोगों को, क्योंकि जो लोग हैं वो हॉस्पिटल तक नहीं आ पा रहे, तो हम उनके तक डोर टू डोर जा रहे हैं ताकि जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनका रेजोल्यूशन हम लोग कर पाएँ। लेकिन इस कैंप की अगर बात करें तो यहाँ पे हम क्या मेजर्स ले रहे हैं कोरोना के लिए, डेफिनेटली आप देख सकते हैं हर किसी ने मास्क पहना हुआ है, सैनिटाइजर्स का हम यूज़ कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंस हम लोग फॉलो कर रहे हैं, एंड देन एक कोरोना स्क्रीनिंग भी हम लोग कर रहे हैं जिसमें कि लोगों को पहले थर्मल गन से फीवर जो उनका चेक किया जा रहा है, एंड देन वी आर स्क्रीनिंग पेशेंट ऑन द बेसिस ऑफ सम पैरामीटर्स कि अगर उनको कुछ ट्रैवलिंग हिस्ट्री नहीं है, खांसी जुकाम बुखार के सिम्टम्स नहीं हैं, उसके बाद ही हम पेशेंट को कैंप में आने दे रहे हैं। एंड देन प्रॉपर स्क्रीनिंग करने के बाद ब्लड डोनेशन के लिए भी हम डोनर से ब्लड ले रहे हैं। थैंक यू मैडम। आप देख सकते हैं यहाँ पर महावीर कॉलोनी के अंदर, खेड़ा मंदिर परिसर के अंदर एक रोटरी, रोटैक्ट व महावीर सेवा समिति द्वारा संयुक्त रूप से एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। लाडवा ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए नरेश गर्ग की रिपोर्ट।